and gentlemen, Karishma Tanna. Hello everybody. So our show is Big Memsab. It's on Big Magic, of course. 7:30 a.m. and it's a very different show, especially on housewives. कैसे वो लोग ग्रैनी है यू नो किचन में रहते हैं हमेशा उनके भी कोई ड्रीम्स होते हैं तो वो ड्रीम्स कैसे वो लोग फुलफिल करें एस्पिरेशंस है उनके और उनके एस्पिरेशंस कैसे फुलफिल करें वो शो इस बारे में है तो आई एम रियली हैविंग फन विद हर्षा एंड हर एंटायर टीम एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एंड यस फिर आगे जो भी क्वेश्चन होंगे मैं जवाब दूंगी उनके ओके So, अब बारी है हमारे दूसरे जज को बुलाने की जिन्होंने पूरा यूपी बिहार और हिंदुस्तान इलाके रखा हुआ है सो स्वागत करें जोरदार तालियों से संभावना सेठ का वेलकम संभावना जी हेलो एवरीवन कैसे आप लोग घर चावल बना के ओके तो जब हमारे बीच हमारे जजेस हैं दो खूबसूरत डांसिंग डीवास हैं तो भाई एक हैंडसम हंक का होना भी जरूरी है और शो में तड़का लगाने जो शो में एंकर की भूमिका निभा रहे हैं वो हैं आप सबके न्यारे दुलारे भाभियों के बहुत ही प्यारे प्रीतम सिंह जी तो प्रीतम का स्वागत करें अरे भैया भाभी अरे भाभी आ गया मैं प्रीतम जी जोरदार तालियां प्रीतम जी के लिए माइक मेरे हाथ में आ गया सबसे पहले हाँ गुड आफ्टरनून सॉरी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग मैजिक के इस ऑफिस में हमारे बिग मेम साहब की तरफ से आप सभी को नववर्ष की सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं बहुत जरूरी है नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो एंड एज यू नो कि एज अ काम जो है मेरा सारी महिलाओं के बीच में मैं ये कन्हैया हूँ बाकी सारा काम जो है जितना भी बेसिकली जजिंग का काम है किस तरह की परफॉर्मेंस होंगी किस तरह के पॉइंट्स दिए जाएंगे जो भी टेक्निकलिटीज होती हैं वो ये मोहतरमाएँ संभालती हैं हमारी खूबसूरत संभावना सेठ और करिश्मा तन्ना ये संभालती हैं और बाकी शो देखने में पता चलेगा किस तरह का शो है सो मैं इन्हीं को दे देता हूँ ताकि और बात करें आपसे हम लोग फोटोग्राफ करें मैं थोड़ा सा क्विकली शो के बारे में बताऊं हमारा शो बिग मैजिक पे शाम 7:30 बजे बिग मेमसाब जो कि डांस रियलिटी शो है जो गृहणियों का शो है जिसको हम बोलते हैं कि कुकर की सीटी से लेकर जज की सीटी तक और इनकी परफॉर्मेंसेस एक से एक बढ़कर है और ये शो डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा हिट होगा ये हम लोग ऐसा मानते हैं यस नाच जो बदल दे नजरिया हम लोग तीनों बोलते हैं सो इस शो की टैगलाइन जो है वो है नाच जो बदल दे नजरिया मैं कुछ कहना चाहूंगी बिकॉज हम शूट शेड्यूल में इस वक्त 7-8 दिन शूट कर चुके हैं जहाँ पे कि टेलीकास्ट काफ़ी कंटेस्टेंट से ये सुनने को मिला है स्टेज पे एंड संभावना करिश्मा एंड प्रीतम अरविंद है कि शो का टैगलाइन है आई थिंक वो बहुत बिफिटिंग है नाच जो बदल दे नज़रिया ऐसे कई कंटेस्टेंट्स आए हैं जो काफ़ी टाइम से स्टेज परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और उनको अपने परिवार वालों से फैमिली से नेबर्स से सोसाइटी से वो सपोर्ट नहीं मिल पाई है लेकिन इस मंच पे आने के बाद और यू नो शो की पब्लिसिटी के बाद और जितनी कड़ी मेहनत करके उन्होंने दिखाई है उसके बाद उनको कई फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गए जो बहुत एनकरेजिंग थे उनके लिए आई थिंक फॉर अ वुमन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय हर फैमिली एंड सोसाइटी टुगेदर तो वो चीज़ बहुत
अच्छे से निकल गया ये. तो जेन्युइनली ये शो का टैगलाइन जो है कि नाच जो बदल दे नज़रिया, उनके परिवार वालों का और उनके आजू आस पास के रहने वालों का, पहचान वालों का नज़रिया इस शो के कारण उन कंटेस्टेंट्स के प्रति बदला है. तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी जीत है एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट बींग अ पार्ट ऑफ दैट चेंज इन देयर लाइफ. थैंक यू. चलो भाई अभी टेबल लगाओ, बाइट लगाओ. अरे हो जाने ना वो लोग का जो आप इस सामने यहाँ पे दो बार करें तो बैठिए. I would also like to welcome Mrs. Shravani Dev here, programming head, Big Magic. वो भी हमारे साथ. मैं श्रावणी दा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी. श्रावणी जी ने रिसेंटली बिग मैजिक ज्वाइन किया है एज अ प्रोग्रामिंग हेड. आई थिंक उनके विजन या ट्रस्ट के बिना ये शो हम नहीं कर पाते. उनसे शो बनाने के दौरान जो हमको सपोर्ट और गाइडेंस श्रावणी, हम श्रावणी जी को श्रावणी ताई के नाम से ज़्यादा पुकारते हैं, तो ताई जितनी लविंग केयरिंग है उतनी स्ट्रिक्ट है कि उनको क्या चाहिए शो में और क्या नहीं. तो आई थिंक शो का सक्सेस काफ़ी हद तक श्रावणी ताई को जाता है. तो आई वॉन्ट श्रावणी ताई को से फ्यू वर्ड्स. हर्षा ने बहुत ज़्यादा स्पोकन लिटिल एक्स्ट्रा. इट्स ओनली दैट वी वॉन्ट मैजिक टू कम विथ, वी आर ट्राइंग टू गेट मैजिक इन टू अ न्यू स्पेस और दिस इज वन ऑफ द अर्ली शोज. ये शो करने का जो थॉट था कि हाउस वाइफ्स के जो टैलेंट है उनको सेलिब्रेट करना चाहिए. And my line was कि there is a Deepika and there is a Priyanka in every house. It is only the lens जो बदलना चाहिए, क्योंकि लोगों का lens थोड़ा सा change हो जाए तो we can celebrate our women at home and we can help them. तो ये simple thought था, उस thought पर ये show हम लोग ने base किया. And I hope ये relatable हो and this is just the start of the memsab series that we are planning to do, which will cut across. And we need good wishes, we need support from each one of you to build up and take magic to a new heights. And I'm so grateful to each one of you that you have come and you have done a splendid job. Thank you from the bottom of my heart. And Harsha is one of the early productions and
I know it's going to be a very long association with a good producer. Thank you so much. Thank you. Hey, cutting? Yeah. I can't do this. बिग मेमसाब जो शो है वो गृहिणी जो है वो घर पे जो हाउस वाइफ्स रहती है उनके बारे में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी हाउस वाइफ्स हैं जो बहुत जल्दी बहुत यंग उम्र में शादी कर लेती हैं और उनके जो ड्रीम्स होते हैं उनके जो सपने होते हैं वो फुलफिल करने का मौका नहीं मिलता उन लोगों को. उन लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, आपको अपने सास ससुर का ध्यान रखना है, बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, दादा दादी का ध्यान रखना है. तो वो उनके लिए ही पली बड़ी रहती है, वो उनके दिमाग में डाला जाता है. तो ये शो ऐसा है कि हम जो घर पे किचन में वो जो गृहिणी काम करती है उनके जो सपने होते हैं कि उनको खुद को उनकी पर्सनैलिटी को क्या करना है, वो शो इस बारे में है. हमने मौका दिया है, हर्षा जो हमारी प्रोड्यूसर है उन्होंने मौका दिया है इन हाउसवाइफ्स को उनकी जो ड्रीम्स है उनको एस्पायर करने का, ताकि वो लोग भी अपने जो गृहस्थी में रहते हैं उनसे बाहर निकल के अपना सपना पूरा करें, अपनी जो ड्रीम्स है उसे पूरा करने. बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गाना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डांस अच्छा लगता है. तो हमारा जो शो है वो डांस के ऊपर है, जहाँ यू नो नाच जो बदल दे नज़रिया. तो शो ऑल अबाउट दैट है. हम प्रीतम प्यारे को लेकर आए जो भाभियों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ताकि कनेक्ट कर सकते हैं हम भाभियों के साथ. और मेरे साथ संभावना है, जहाँ हम डांस को जज करते हैं. मेरा मानना है मैं ये शो में इसलिए आई हूँ ताकि मुझे डांस का नॉलेज है. मैं काफ़ी सालों से डांस करती आई हूँ और संभावना को काफ़ी नॉलेज है डांस के बारे में. इसलिए हमारी वो हम वो प्लेटफॉर्म में है ताकि हम किसी और को जज कर सकें और हमें टेक्निकलिटीज़ पता चले और हम उनको बता सकें कि अगर आप सही ढंग से जाओगे और सही दिशा में जाओगे तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हो. तो हम इसलिए उनको जज कर रहे हैं ताकि हम उनको प्रोत्साहित करें, हम उनको आगे बढ़ाएं. और हम हमेशा यही एपिसोड्स में कहते रहते हैं कि आप सबके घर में दीपिका और प्रियंका चोपड़ा है. अगर आप मेहनत करो और अगर आप सही दिशा में जाओगे तो आप एक दिन हाउसवाइफ्स नहीं, आप एक दिन आपके फैमिली से भी बहुत बड़े हो जाओगे. तो दैट्स द शो ऑल अबाउट. संभावना, आपकी शादी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं जो भाभीज वहाँ पर आएंगे उनसे कनेक्ट करेंगे आप? डेफिनेटली अभी अभी शादी हुई है मेरी. तो सबसे पहले आई थिंक जो हमारी प्रोड्यूसर है हर्षा, उनका शायद सबसे पहला मेन रीज़न ये था कि मैं इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ उन औरतों के साथ जो घर का काम भी करती हैं और बाहर भी काम करना चाहती हैं, अपने सास ससुर को संभालती हैं, अपने पति को घर पे यू नो सारा उनके लिए काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके बाद बाहर का भी काम करना चाहती हैं. तो मैं उन लेडीज से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आज की डेट में मैं भी यही काम कर रही हूँ, प्लस मैं काम कर रही हूँ. तो मेरा काम या तो ऐसा होता है कि आप यू नो या तो आप काम कर सकते हो या फिर आप घर पे रह सकते हो. मैं ये दोनों चीज़ें पहले भी कर रही थी, मैं काम तो पहले भी कर रही थी, लेकिन अब घर संभालना प्लस बाहर का काम करना, तो ये दोनों चीज़ों से
मैं अब ये काम करती आ रही हूँ और उन औरतों से मैं बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ जो औरतें घर का काम करती हैं प्लस बाहर भी काम करना चाहती हैं प्लस अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लाना चाहती है, दुनिया को बताना चाहती हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट कूट कूट के भरा है, हम चाहते हैं कि वो दुनिया, अब ये टाइम है कि वो दुनिया हमारा टैलेंट देखे। तो मैं ऑल थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर हर्षा जिन्होंने ये सोचा कि मैं इस शो को जज करूँ। और यस, जैसे कि प्रीतम है, प्रीतम का अलग कनेक्शन है भाभियों के साथ। करिश्मा डांसर अच्छी हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं। प्लस मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे यू नो डांस नंबर्स करती आई हूँ, प्लस एक डांस का नॉलेज रखती भी हूँ। तो मेरे लिए ये शो करना, मैं कहती हूँ मेरे लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ जब मैं कभी आगे फ्यूचर में मेरा नाम आएगा कि मैं बिग मेम साहब के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं बहुत प्राउड फील करूँगी। जिस तरीके से आप भी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं शो के अंदर, और नेचुरली सो कितना क्या ज़्यादा